सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाबी नैशनल टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल सवलीन कौर जसड़। बुलेटिन की शुरुआत तो पहला झात पावांगे अज दीआं खास खबरां ते। मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने अमित शाह नूं किसानी मसला सुलझाउण लई निजी दखल देण लई आख्या। चरणजीत सिंह चन्नी की बलबीर सिंह सिद्धू घर हुई मीटिंग ने छेड़े सियासी चर्चे। यूपी सरकार ने दिती सारे सियासी दलों नूं लखीमपुर खीरी जाण दी इजाजत। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर हिंसा मामले च भाजपा नूं घेरिया, मोदी सरकार की अंग्रेजी हकूमत नाल कीती तुलना। मशहूर लड़ीवार रामायण विच रावण दे किरदार लई जाने जांदे 82 साल अरविंद त्रिवेदी का दिल का दौरा पैण कारण होया देहांत। हुण खबरां दा विस्थार ते कुछ होर खबरां। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात करके किसानां दे मुद्दे सुलझाउण लई उन्हां दे निजी दखल की मंग की है। उन्हां केंद्रीय मंत्री नूं खेती कानून छेती ही रद्द करन दी अपील भी की है। इस तों इलावा चन्नी ने पंजाब विच सरहद पारों आउंदे नशियां अते हथियारां दी नजायज़ तस्करी का मुद्दा भी चुक्या है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री नूं सरहदां सील करन दी अपील करदिआं आख्या कि इस कदम नाल नशियां दी सप्लाई तोड़न दे विच मदद मिलेगी। मीटिंग मगरों मुख्यमंत्री ने उसारू सिट्टे निकलन दी उम्मीद भी जाहिर कीती है। इना ही नहीं, सूत्रां मुताबक मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री नाल नवां डीजीपी लाए जाण बारे चर्चा भी कीती है, पर इस दी अधिकारित पुष्टि नहीं हुई। पंजाब दे मुख्यमंत्री वल्लों बीती देर रात अचानक हलका विधायक बलबीर सिंह सिद्धू दे घर पहुंच के उन्हां नाल 2 घंटे तक लंबी मीटिंग कीती गई, जिसने सियासी चर्चा छेड़ दिती है। इस मीटिंग दौरान पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अते पार्टी दे पंजाब मामलियां दे सह इंचार्ज हरीश चौधरी भी शामिल होए। इस तों पहलां इह समझिया जा रहा सी कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते हलका विधायक बलबीर सिंह सिद्धू विच आपसी वखरेवियां करके सिद्धू मंत्री की कुर्सी तो वांझे रह गए सन, परंतु हुण मुख्यमंत्री वल्लों सिद्धू नाल कीती गई मीटिंग कई सवाल खड़े करदी है। क्यास ए भी ने कि पार्टी हाईकमान वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बागी तेवरां करके उन्हां दे नज़दीकी रहे साबका मंत्रियां ते विधायकां नूं पार्टी विच ही बने रहण लई मनाए जाण दी कवायद दे चलदिआं ए मीटिंग होई है। सूत्रां अनुसार इस मौके चरणजीत सिंह चन्नी वल्लों बलबीर सिंह सिद्धू नूं अपने पुत्तर दे विआह दा सद्दा पत्तर भी दित्ता गया अते पार्टी विच तकड़े हो के कम करन लई हल्लाशेरी भी दित्ती गई। खबर है कि पंजाब कांग्रेस विच फिर तो वड्डी तब्दीली हो सकती है अते कांग्रेस हाईकमान रवनीत सिंह बिट्टू नूं सूबा कांग्रेस दी कमान सौंप सकती है। दसणयोग है कि कांग्रेस दे साबका सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ने भी सिद्धू दे वतीरे ते इतराज़ कीता सी अते आख्या सी कि ओह मुख्यमंत्री दीआं शक्तियां नूं घटा रहे ने। उधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीते दिन दिल्ली स्थित कपूरतला हाउस च कांग्रेस के राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा नाल भी मुलाकात की। इस तों पहलां कांग्रेस के सूबा कार्यकारी प्रधान ते विधायक कुलजीत सिंह नागरा अते मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू भी मुख्यमंत्री नाल दिल्ली गए। सिद्धू के अस्तीफे तो बाद कांग्रेस हाईकमान ने जो रुख अपनाया है उस तों एक गल दे संकेत मिल रहे ने कि मुख्यमंत्री चन्नी हुण नवें चेहरे नूं सूबा कांग्रेस की कमांड सौंपण की इच्छा रखते ने। जिक्रयोग है कि सिद्धू नूं 19 जुलाई नूं प्रदेश कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त किया गया सी, पर मुख्यमंत्री चन्नी नाल उन्हां दे मतभेद कैबिनेट विस्थार तों बाद सामने आए। कांग्रसी आगुआं दा कहना है कि SS रंधावा नूं वड्डा विभाग मिलन तों सिद्धू नाराज़ ने। इस दे नाल ही उन्हां ने APS दियोल नूं एडवोकेट जनरल अते इकबाल सहौता नूं पंजाब दा DGP नियुक्त करन ते इतराज़ जताया सी। दोहां दीआं तारां बेअदबी दे मामलों के नाल संबंधित ने, जबकि CM चन्नी अपनी नियुक्ति लई सहमत होए तां सिद्धू ने अहुदा छड़ दिता सी। कुछ दिन पहलां सिद्धू ने एक वीडियो संदेश जारी करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की सी। उत्तर प्रदेश विच लखीमपुर खीरी की दुखदायक घटना की सख्त निखेधी करदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भारतीय जनता पार्टी नूं आख्या कि लोगों की आवाज़ दबाउण लई डंडा राज लागू करन दी बजाए जमहूरी कदरां कीमतां दा सतिकार कीता जाणा चाहिदा है। उन्हां आख्या कि भाजपा दहशत दा राज कायम करके लोकां नूं डराउणा चाहुंदी है। लखीमपुर खीरी दीआं निर्दयी घटनावां दी तुलना मुख्यमंत्री ने जलियांवाले बाग दे कतलेआम नाल करदिआं आख्या कि हाल ही विच वापरी इह घटना पहलां ही घड़ी गई है अते गिण मिथ के भोले भाले किसानां नूं दरड़ दित्ता गया।
चन्नी ने उत्तर प्रदेश सरकार वालों कांग्रेस की कौमी नेता प्रियंका गांधी नूं गिरफ्तार किए जाने की आलोचना भी की है। उन्होंने केंद्र नूं अपील की है कि इन तीन खेती कानूनों नूं तुरंत रद्द किया जाए ताकि शांतमई माहौल खराब ना होवे अते अमन शांति सद्भावना अते भाईचारक सांझ नूं हर हाल विच कायम रखा जा सके। उधर केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आख्या है कि जेकर ऐतवार नूं लखीमपुर खेरी विच वापरी हिंसक घटना विच उसके पुत्र आशीष मिश्रा की शमूलियत संबंधी एक भी सबूत मिलिया तो वह अपने अहदे तो अस्तीफा दे देंगे। सूत्रों मुताबिक चफेरियों दबा मगरों केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस सामने सरेंडर कर सकता है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी कांड नूं लैके बीजेपी बुरी तरह घिर गई। बड़े विवादों तो बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेसी नेतावान राहुल गांधी प्रियंका गांधी और तीन होर लोगों लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है। इस तो पहला कांग्रेस आगू राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार सवालों के घेरे के लपेटिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाद्या आख्या कि भारत सरकार किसानों पर योजनाबद्ध तरीके हमला कर रही है, किसानों को जो भी है उसनों खोण की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अगे आख्या कि किसानों जीप हेठा कुचल के उन्होंने हत्या की जा रही है। प्रधानमंत्री के लखनऊ दौरे पर सवाल करद राहुल गांधी ने आख्या कि कल PM लखनऊ में सन और लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गए। प्रियंका गांधी नूं लखीमपुर खीरी जाण लई सीतापुर विच रिहा कर दिता गया है। जिक्रयोग है कि प्रियंका गांधी ने अपनी हिरासत नूं लैके गंभीर सवाल खड़े किए सन। प्रियंका ने बयान जारी करके दोष लगाया सी कि उसनूं गैर कानूनी तरीके दे नाल हिरासत विच लिया गया सी। उन्होंने बयान जारी करके ये दोष मढ़िया कि उन्होंने बिना किसी कानूनी आधार से उन्होंने संविधानक अधिकारां दा घाण करते हुए उन्होंने सीतापुर PAC कंपलैक्स विच कैद किया गया सी। प्रियंका ने आख्या सी कि उन्होंने किसी मैजिस्ट्रेट जां न्यायिक अधिकारी सामने पेश तक नहीं किया गया सी अते ना ही उन्होंने उन्होंने वकील नाल मिलन दिता गया सी। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके फिर UP सरकार नूं निशाने ते लिया सी अते आख्या सी कि 24 घंटे तो वध गैर कानूनी नज़रबंदी बुनियादी अधिकारां दी स्पष्ट उलंघना है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान लालू प्रसाद यादव ने भी भाजपा से तिखे हमले करद्या आख्या कि भगवा पार्टी उस हैवान वर्गी है जिस दे मूंह नूं खून लग चुकिया है। उन्होंने दोष लगाया कि भाजपा हिंदुओं नूं मुसलमानों खिलाफ खड़ा करके सत्ता विच आउण वाली पार्टी है। लालू प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पटना विच पार्टी वर्करां नूं संबोधन करदिया लखीमपुर खेरी विच वापरियां हिंसक घटनावां दी निखेधी कीती है। लालू ने विरोधी धिरां च AK दी घाट ते विरलाप करदिया आख्या कि भाजपा नूं हराउण लई सारियां विरोधी पार्टियां दा एकजुट होना बड़ा जरूरी है। लखीमपुर खीरी विच वापरी घटना संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार नूं सवाल कीता है कि मोदी सरकार किसानां नूं इन्नी नफरत क्यों कर रही है, उन्होंने ने किसे दा की विगाड़िया है। केजरीवाल ने अगला सवाल कीता है कि हुण तक दोषियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उन्होंने क्यों बचाया जा रहा है। केजरीवाल ने अगे आख्या कि केंद्र सरकार आज़ादी का महा उत्सव मना रही है पर एक किहो जिही आज़ादी है, पीड़ित परिवारों नूं मिलण वालियां नूं रोकिया जा रहा है, अजिहा तां अंग्रेज करदे हुंदे सी। केजरीवाल ने संबंधित मंत्री नूं बरखास्त करन दी मंग कीती है अते इह वी आख्या कि सारा मुल्क इस वेले इंसाफ दी उडीक कर रहा है। तर क्यों नहीं किया गया, आखिर क्या मजबूरी है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी TV और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार
आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आजादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले एक साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। एक हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी नहीं थी, और उसके एक हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। भारतीय टैलीविजन दे सब तो मशहूर लड़ीवार रामायण विच रावण दे किरदार लई जाने जांदे अदाकार अरविंद त्रिवेदी दा दिल दा दौरा पैण करके देहांत हो गया है। उन्हां दी उम्र लगभग 82 साल दी सी। उन्हां दे भतीजे ने दस्या कि अभिनेता लंबे समय तो बीमार सन अते उन्हां ने उपनगर कांदीवाली स्थित अपने निवास स्थान ते रात 10 बजे आखिरी साह लिया। उन्हां दा अंतिम संस्कार कर दिता गया है। रामायण विच रावण दे किरदार नूं अमर करन वाले इस महान कलाकार दे देहांत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री ने तारक मेहता दे कलाकार घनश्याम नायक दी मौत ते भी दुख जाहिर किया है। ट्वीट विच पीएम मोदी ने आख्या कि कुछ दिनों विच असी दो प्रतिभाशाली अदाकारां नूं गुआ दिता है जिन्हां ने अपनियां रचनावां राहीं लोकां दा दिल जित्तिया है। पर इत्थे सवाल यह खड़ा हुंदा है कि पीएम मोदी ने अज तक ट्वीट करके ना तो किसान अंदोलन बाबत कोई गल कीती है ते ना ही अंदोलन दौरान शहीद होए किसानां दी शहादत बारे कोई ट्वीट कीता है। इस दे नाल ही खबरां दा अज दा बुलेटिन इत्थे समाप्त करदे हां। तुसीं देखदे रहो पंजाबी नैशनल टीवी। उम्मीद तुहाडी, कोशिश साडी।